कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। ऐसा ही हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। अचानक से अब पीओ के मामले में यूएई आ गया है भारत के साइड और बता दिया है पीओ के किसका है। जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई थी वो चीज़ हो चुकी है। सऊदी अरब और यूएई अब भारत के साथ आकर पीओके पर भी क्या खड़े हो चुके हैं और क्या जनरल वीके सिंह की बात सही साबित हो रही है जो उन्होंने हाल फिलहाल में पीओके को लेकर कहा था, और क्या अब सऊदी से पाकिस्तानी सैनिकों की भी छुट्टी होगी। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 के बाद ना बहुत सारी चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। सऊदी अरब और भारत के संबंध नई ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के राजकीय यात्रा पे थे। यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें की जो पाकिस्तान के सीधे सीधे खिलाफ दिखा। जैसे पहली चीज, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का समर्थन कर दिया और दूसरे से भी कहा कि आतंकवाद का समर्थन करना बंद करिए, और ये पाकिस्तान के बिना नाम लिए बता दिया गया कि ये पाकिस्तान को ही कहा गया। इसके अलावे ये देखा जा रहा है कि अभी तक सऊदी शाही परिवार के अधिकतर प्रमुख भारत की यात्रा के दौरान पाकिस्तान जरूर जाते थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। आपको बता दें कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं। यही वजह है कि ये देश भी बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं वो आपको बताएंगे। पर सऊदी अरब के साथ आगे बढ़ चुका है भारत का रिश्ता और दोनों डिफेंस सेक्टर में भी एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं। आपको बता दें डिफेंस सहयोग की बात सुनकर पड़ोसी की टेंशन ज्यादा बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी? क्योंकि सऊदी अरब में अब तक पाकिस्तानी सेना का बोलबाला रहा है। भारत ने ना धीरे धीरे कदम को बढ़ाना शुरू किया। 2021 और 2023 यहाँ पर भारत और सऊदी के नौसैनिक दोनों मिलकर एक साथ युद्धाभ्यास करने लगे। 2022 में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद ये भारत की यात्रा पर आए, और इस यात्रा के बाद बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई। भारत ने अपने हथियारों का जखीरा भी दिखाया और अब माना जा रहा है कि सऊदी अरब भारत से भी हथियारों को खरीदने के लिए आगे बढ़ सकता है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी तो कॉमन क्या था? कॉमन ये था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर धीरे धीरे पाकिस्तान को रास्ता दिखलाया जा रहा था। फिर एक बयान आता है वीके सिंह का, जो हमारे मंत्री हैं। वीके सिंह हाल फिलहाल में एक बयान देते हैं। इस बयान में पीओके के बारे में कहते हैं कि बहुत जल्द अपने आप पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, और इस बयान के बाद सोचा गया था कि शायद कुछ तो होगा जरूर, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब एक हिसाब से बोलना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कुछ जरूर होने वाला है। इसी बीच ये देखा जाता है कि सऊदी अरब के प्रिंस तो पाकिस्तान नहीं उतरते हैं, लेकिन जनरल मुनीर पहुंच जाते हैं अर्दोगन के पास, जिसे माना जा रहा है कि सीधे सीधे सऊदी अरब को एक संकेत दिया, एक संदेशा भेजा कि अगर तुम अपने आप को OIC का बॉस समझते हो, मुस्लिमों का मसीहा समझते हो, तो हम फिर अर्दोगन के साथ खड़े हो जाएंगे, जो खलीफा बनने की चाहत रखता है। और आपको बता दें ये बहुत महंगा पड़ा। कुछ चीजें होती हैं जैसे आसमान में थूकने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, वो फिर अपना ही चेहरा खराब होता है, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने कर दिया। इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। G20 में जो झटका लगा सो झटका लगा। एक तो हम लोग जानते हैं कि UAE भारत में बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, और खास तौर पर कहाँ पर कर रहा है? कश्मीर पे कर रहा है। वैसे आपको याद होगा G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने G20 के जितने सदस्य देश हैं सबको चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में कौन सा संदेशा भेजा था? इस चिट्ठी में संदेशा भेजा था कि कश्मीर में होने वाली मीटिंग को आप ज्वाइन मत करना, अगर आप ज्वाइन करते हो तो माना जाएगा कि भारत के सपोर्ट में हो, आप ऐसा मत करना।
अब इसमें ज्वाइन नहीं करने वाले में 2-3 देशों के नाम थे, जिनमें से एक सऊदी भी था, तुर्की भी था और चाइना भी था। लेकिन बाद बाकी किसी देश ने उसकी चिट्ठी को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो वहां पर शामिल हुए। अब इससे पहले ही यूएई ने अपना बहुत बड़ा पैसा लगा दिया कश्मीर में। और कितना पैसा लगाया? करीब 250 करोड़ रुपए। 500 दुकानें खोली जाएंगी, एक मॉल बनाया जा रहा है और ये मॉल बनाया जा रहा है 10 लाख वर्ग किलोमीटर में। कश्मीर में निवेश करने वाली पहली कंपनी कौन थी? यूएई की एक रियल एस्टेट डेवलपर एमआर ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया मॉल। पहला झटका ये पाकिस्तान को उस समय था, जिस समय पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारा है जम्मू कश्मीर और एक यूएन में विवादित मामला है, तुम लोग यहाँ निवेश ना करो। यूएई ने पहला झटका वहाँ पर दिया था, लेकिन अब यूएई ने एकदम से खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है। ये एक ट्वीट है, जो ट्वीट किसी आम इंसान ने नहीं करी है, यूएई के उप प्रधानमंत्री हैं, यानी एक बड़ा पोजीशन। और आपको बता दें, जब बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना, तब कोई भी चीज गलती से नहीं होती है, बहुत ही सोच समझ कर जानबूझकर की गई चीज होती है, कोई गलती नहीं होती है। इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो में आपको क्या दिखा? इस वीडियो में ये दिखा कि जो कॉरिडोर लॉन्च किया गया है, उस कॉरिडोर के बारे में दिखाया गया और दिखाया गया कि बाइडेन थैंक यू बोल रहे हैं। उसके बाद जब वीडियो अंत होता है तो वो मैप दिखाया गया, जिस मैप में कॉरिडोर को दिखाया गया कि ये कॉरिडोर कैसे करके काम करने वाला है। और इस मैप को देखकर आपको क्या समझ में आया? इस मैप में कोई हिस्सा काट कूट कर नहीं दिखाया गया है, पीओके को पूरा का पूरा दिखलाया गया है और ये बता रहा है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो मैप इस्तेमाल हुआ है, वो कश्मीर को लेकर भारत के मामले को एकदम साफ कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का ये नया कदम बता रहा है कि पीओके भारत का है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की पुष्टि कर रहा है। ये चीज इस वीडियो से साफ साफ पता चल रही है। और जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज यहाँ पर गलती से नहीं होती है, इसलिए क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और खास तौर पर जब मुस्लिम देश ऐसा कर रहे हैं, यानी जिनको कभी पाकिस्तान सुबह शाम दोपहर याद दिलाता हो कश्मीर 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 पीओके पीओके पीओके, वो देश अगर इस तरीके के मैप ला रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा सोच समझ कर लाया गया है और ये भारत के साथ चलना चाहते हैं। सवाल उठता है, भारत के साथ आखिर क्यों चलना चाहते हैं? तो देखिए, सऊदी और यूएई दोनों का व्यापार क्या था? तेल था। और तेल का क्या हो रहा है? भविष्य खत्म हो रहा है, आगे इन्हें अपना बिजनेस अलग अलग सेक्टर में फैलाना है और ये एक बार कमाई करके रईसी का जीवन जी चुके हैं। ऐसे में अपनी रईसी को बरकरार रखने के लिए इन्हें अपने व्यापार को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। और ये लोग दिमाग के तेज हैं, इन्हें पता है कि कहाँ पर निवेश करना है और किनके साथ आगे चलना है, भविष्य किनके साथ आगे बेहतर दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।